guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me, Ayushi, together with Priyashi. तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए आप लोगों की फेवरेट धुकर धुकर वाली वीडियो लेकर के। और जो आज की धुकर धुकर वाली वीडियो है ना वो बहुत ज्यादा ही धुकर धुकर वाली वीडियो है। वो इसीलिए क्योंकि इस वीडियो में डर के साथ साथ इमोशंस भी कूट कूट के भरे हुए हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग आप लोगों से पूछे कि प्यार से आप लोगों को क्या समझ में आता है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का आंसर होगा कि प्यार का मतलब होता है ना एक दूसरे की भलाई चाहना, कभी भी एक दूसरे का बुरा नहीं चाहना। बहुत सारे लोग होंगे जिनका आंसर होगा प्यार का मतलब तो सैक्रिफाइस करना होता है, सैक्रिफाइस का ही दूसरा नाम प्यार है। और भी बहुत सारे डेफिनेशंस होंगे लेकिन अभी हम लोग सारे डेफिनेशंस पे नहीं जाएंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम यही चीज देखेंगे कि अगर प्यार में धोखा मिले और अगर वही प्यार नफरत में बदल जाए तो वो किस तरह आपका जीना दुश्वार कर देता है। जीते जी तो वो आपका साथ नहीं ही छोड़ता है, शायद मरने के बाद भी आपका पीछा ना छोड़े। तो आज के टीनेजर्स नून रोटी खाएंगे जिंदगी संगे बिताएंगे वाला कॉन्सेप्ट छोड़ो, चुपचाप से पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो क्योंकि पढ़ाई लिखाई से ही कमा के अच्छे से नून रोटी की जगह चिकन रोटी खाना। तो जोक्स अपार्ट चलो अब सीधा वीडियो पे जंप करते हैं। लेकिन उससे पहले अरे अभी भी बताना पड़ता है, अभी तक सीखे नहीं। हाँ चलो चुपचाप से अपनी अपनी सीट की पेटी बांध लो, अपने कानों में ईयरफोन्स डाल लो और फोन को ना कस के हाथ में पकड़ लो, ठीक है। टीवी में देख रहे हो तो बात अलग है और मजा दुगना करने के लिए अपने अपनी रूम की लाइट्स ऑफ कर लो। तो आज की जो कहानी है ना वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया है। और परंपरा के हिसाब से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने सब्सक्राइबर का नामकरण करते हैं। तो चलो आज उनका नाम रख देते हैं सीमा, ठीक है। तो जो सीमा है ना वो वेस्ट बंगाल की रहने वाली है और सीमा बताती है कि ये स्टोरी सीमा की नहीं बल्कि सीमा के पड़ोसी की है। एंड ये सब जो भी नजारा था ना, जो भी हॉरर इंसिडेंट था, वो सीमा ने भी अपने आंखों से देखा हुआ है। सीमा अपनी ये स्टोरी शुरू करने से पहले ही बोलती है कि दीदी आज भी उस स्टोरी को सुनते हैं ना या उसके बारे में सोचते हैं तो मेरी रूह कांप जाती है। तो सीमा क्या बताती है कि उनके पड़ोस में एक घर था, मतलब उस घर की और सीमा के घर की बाउंड्री सेम थी, आप चाहो तो छलांग लगाकर भी वहां पर जा सकते थे। तो उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी और उस बूढ़ी औरत का एक बेटा था और वो जो बेटा था ना उनकी उम्र लगभग 35-40 साल की होती होगी और उनकी शादी नहीं हुई थी। और उन लोगों का एक बड़ा सा शॉप था, बहुत बड़ा शॉप था और समय के हिसाब से ना और भी ज्यादा तरक्की होती गई, बरकत होती गई। अब क्या था ना कि एक इंसान के बस की बात नहीं थी उस शॉप को अकेले संभाल पाना। तो उन अंकल ने क्या किया था, उनके ही गांव के उनके एक रिश्तेदार थे जो कि उनके भाई लगते थे, चलो उनका नाम रख देते हैं हम लोग राजू। तो उन्होंने राजू को फोन करके बोला कि राजू गांव में तो तेरी अब ग्रेजुएशन तक पढ़ाई हो चुकी है, अब गांव में रह करके ना समय बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलेगा, एक काम कर कलकत्ता आ जाओ और मेरे साथ मेरे दुकान में मेरा हाथ बटा, बिजनेस तू भी सीख लेगा ताकि आगे क्या होगा अगर कल को फ्यूचर में राजू को अपनी शॉप खोलनी होगी तो राजू को भी अब मार्केटिंग की नॉलेज होगी। तो राजू ने अपने मम्मी पापा से बोला, मम्मी पापा ने बोला कि हाँ ठीक है बड़ा भाई ये बुला रहा है जा उसके साथ काम सीख ले। तो राजू खुशी खुशी आ जाता है उनके दुकान में उनका हाथ बटाने। राजू की उम्र होती होगी 22-23 साल, राजू कोई उम्र दराज नहीं था और जो राजू का नेचर था ना सीमा बताती है कि दीदी वो भैया इतने ज्यादा हसमुख थे ना कि हम लोग क्या बताएं। ऐसे तो वो हमारे पड़ोसी थे पर कभी भी हमारी ना ही उस बूढ़ी दादी से बात हुई थी ना ही उस अंकल से बात हुए थे, लेकिन जब से राजू भैया आए थे ना मानो पूरे मोहल्ले में ना जान आ गई थी, वो छोटे बड़े सभी लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल गए थे। सीमा बताती है कि पता है दीदी जब भी दुकान के काम से फुर्सत मिलती थी ना राजू भैया तो हमारे साथ आकर के ना पत्थर परी पकड़न पकड़ाई छुपन छुपाई बहुत सारे गेम्स भी खेला करते थे, मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो राजू उस मोहल्ले का लाडला था। तो इसी तरह राजू उस मोहल्ले में पूरी तरह से रच बस गया था और उस शॉप में काम करते हुए राजू को 2-2.5 महीने हो भी चुके थे। तो एक रात की बात है करीब 10-11 बज रहे थे, सीमा अपने घर में अपनी मम्मी और अपने दो भाई बहनों के साथ आराम से बैठ के खाना वाना खा के टीवी देख रही थी। तो अचानक ना मोहल्ले के बाहर से बहुत जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है,
रात में इतना जोर से चिल्ला चिल्ला के लग रहा था कोई जैसे लड़ रहा हो। तो सीमा अपनी मम्मी को देख के बोलती है कि मम्मी आखिर ये रात को ऐसा कौन लड़ रहा है। तब अचानक से मम्मी का ध्यान क्या जाता है कि उस लड़ाई में उसके पापा की भी आवाज आ रही है। तो सीमा की मम्मी क्या बोलती है कि सीमा तुम अपने भाई बहनों का ध्यान रखो, हम तुरंत से बाहर देख के आते हैं कि आखिर कहीं तुम्हारे पापा किसी से झगड़ा वगड़ा तो नहीं कर लिए, वो भी इतनी रात को। तो सीमा बोलती है कि ठीक है मम्मी हम घर ही में हैं। और सीमा की मम्मी सीमा को अच्छे से हिदायत देती है कि तुम बाहर मत निकलना, रात का टाइम है, जो भी होगा हम देख के आएंगे, तुम मेरा घर में वेट करना। इसके बाद सीमा अपनी मम्मी का वेट करते रहती है कि अब उसकी मम्मी आएगी और बाहर चिल्लक चिल्ली की जो आवाजें थी वो बढ़ते जा रही थी। और अब अपनी मम्मी का वेट करते करते आधे घंटे बीत चुके थे लेकिन सीमा की मम्मी अभी तक वापस घर नहीं आई थी। और अब सीमा के दिल में ना बहुत ही अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे, अब उसके सब्र का बांध टूट रहा था। इसके बाद सीमा क्या करती है, अपने भाई बहन को चुपचाप से रूम में बंद करके बाहर अपने मम्मी पापा को खोजने चली जाती है। जैसे ही सीमा बाहर निकलती है, बाहर का जो नजारा रहता है ना वो देख के सीमा रोने लगती है वहीं पर, क्योंकि वो क्या देखती है, उसके जो राजू भैया है वो पागलों की तरह छटपटा रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, और उनकी जो आवाज थी ना वो किसी नॉर्मल इंसान की आवाज नहीं थी, और उनकी जो आंखें थी ना वो इतनी लाल लाल हो गई थी। और वो क्या देखती है, उसके जो राजू भैया है ना वो छटपटा रहे हैं, वो अपना सर पटक रहे हैं, हाथ पटक रहे हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और उनको संभालने के लिए 6-7 अंकल आए हुए हैं जिसमें से सीमा के पापा भी वहीं मौजूद हैं, लेकिन वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा नहीं पता उनमें कहां की ताकत आ गई है। उस टाइम ना नवरात्र का टाइम चल रहा था तो लोगों ने क्या सोचा, कहीं इनके ऊपर माता जी तो नहीं आ गई। लेकिन लोगों ने बोला कि नहीं, अगर राजू भैया के ऊपर माता जी आती तो वो लोगों को गंदी गंदी गालियां नहीं देते, वो इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे और गालियां देके बोल रहे थे कि तुम लोग मेरे को छोड़ो वरना तुम लोग जो कर रहे हो ना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। 11 से 12 बज चुके थे लेकिन अभी तक चीजें नॉर्मल नहीं हो रही थी। ऊपर से जो राजू भैया का रूप था ना वो देख के लोग डर जा रहे थे, क्योंकि जो भी राजू भैया को संभालने आ रहा था उल्टा राजू भैया उनके ऊपर हमला कर दे रहे थे, और जिसके कारण 2 लोग तो घायल भी हो चुके थे। तो अब सीमा के पापा ने क्या डिसाइड किया कि राजू भैया को जल्द से जल्द मेंटल असाइलम ले जाते हैं क्योंकि वहीं पर शायद इनका इलाज हो सकता है। तो जल्दी से क्या किया गया, टैक्सी को बुलाया गया। जब राजू भैया को टैक्सी में बैठाने की बारी आई, नहीं पता उनमें इतनी ज्यादा ताकत आ गई थी कि वो टैक्सी में बैठ ही नहीं रहे थे, 4 से 5 लोग मिलके उनको टैक्सी के अंदर बैठाने की कोशिश कर रहे थे, हाथ पैर पकड़ के घुसाने की कोशिश कर रहे थे कि वो टैक्सी में किसी तरह बैठ जाए, लेकिन नहीं। फिर भी लोगों ने जैसे तैसे करके राजू भैया को टैक्सी के अंदर बैठा दिया था। लेकिन अब राजू भैया अकेले तो मेंटल असाइलम नहीं जा सकते थे, उनको संभालने के लिए अगल बगल 2 अंकल भी बैठ गए थे। अभी ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट किया ही था वैसे ही राजू भैया ने अपने बगल वाले अंकल के गले को दबा के जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगे कि मेरे को तू घर छोड़ वरना तुझे मैं मार दूंगा। फिर जैसे तैसे दोनों अंकल अपनी जान बचा के वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद राजू भैया क्या करते हैं, सीधे ड्राइवर पे हमला कर देते हैं और उनका गला पकड़ लेते हैं। अब ड्राइवर इतना ज्यादा डर गया था ना, अब वहां वो अपनी टैक्सी छोड़ के ही वहां से भाग जाता है। इसके बाद दोनों अंकल सारे मोहल्ले वाले को लेके आते हैं और राजू भैया को जैसे तैसे कंट्रोल करके उनके घर में ले जाके उनको एक रूम में बंद कर देते हैं, क्योंकि मेंटल असाइलम ले जाना तो उनके बस की बात नहीं थी। और ये सब जो नजारा था ना वो सीमा अपनी आंखों से देख रही थी और उसे बिल्कुल भी अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि जो हंसने खेलने वाले राजू भैया थे वो आज इतने ज्यादा खूंखार बन जाएंगे। और सीमा ये सब देख के इतनी ज्यादा सहम गई थी, वो दौड़ के अपने भाई बहन के पास गई
रूम लॉक करके एक कृष्ण जी की मूर्ति पकड़ के चुपचाप से कोने में बैठ गई। उस रात केवल सीमा या उसका परिवार ही नहीं पूरा मोहल्ला दहशत में था। किसी ने भी अपने बुरे से बुरे सपने में नहीं सोचा था कि वो खुश मिजाज राजू ऐसे दूसरों पर हमला करेगा और गंदी गंदी गालियां देगा। राजू भैया को तो रूम में लॉक कर दिया गया था, लेकिन रूम में लॉक होने के बावजूद राजू भैया शांत नहीं बैठे थे। पूरी रात राजू भैया अपने उस कमरे में जोर जोर से चीख रहे थे और चिल्ला रहे थे। और आप लोगों को एक अजीब चीज बताएं क्या, वहां पर राजू भैया किसी और को नहीं बल्कि खुद का नाम लेकर के खुद को ही गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। लोगों ने सोचा कि जरूर इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, इसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे रात बीत रही थी ना, राजू भैया की हालत और भी ज्यादा गंभीर होते जा रही थी। सीमा का घर और राजू भैया का घर बिल्कुल आजू बाजू सटा हुआ था। राजू भैया जो भी हरकतें कर रहे थे, जो भी चिल्ला रहे थे ना, सीमा के घर में साफ साफ आवाजें आ रही थी। आधा मोहल्ला तो उस रात जगा हुआ था। और सीमा बताती है कि पता है दीदी, रात भर ना राजू भैया ने अपने उस कमरे के दरवाजे को इतना जोर जोर से ठोका है ना कि हमें तो लग रहा था कि अब दरवाजा टूटा या तब दरवाजा टूटा। जैसे तैसे रात तो बीत जाती है, जब सुबह होती है ना तो लोगों ने डिसाइड किया कि मेंटल असाइलम ले जाने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर ना मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल और भूतिया जैसी घटनाएं घट रही है। तो सबने क्या सोचा कि सबसे पहले ना किसी ओझा या अच्छे से पंडित को बुला करके राजू को चेक करवाते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद कोई कदम उठाया जाएगा। कलकत्ता के ही एक बड़े नामचीन ओझा को बुलाया गया। और जब ओझा राजू भैया के रूम में घुसते हैं ना, तो आपको पता है राजू भैया क्या करते हैं? ओझा को देखते ही एक कोने में दुबक करके सहम करके बैठ जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। ओझा राजू भैया को समझाते हैं कि बेटा मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं तो यहाँ पर तुमसे केवल बात करने के लिए आया हूँ। फिर भी राजू भैया ओझा को देख करके बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ओझा उनसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, जैसे उनका नाम, पता, उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, पर राजू भैया एक भी आंसर नहीं दे रहे थे। फिर ओझा ने अपने चेलों से कहा कि राजू भैया के हाथ पैर को जोर से पकड़ दिया जाए, अगर राजू भैया आराम से उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देंगे तो अब उन्हें छड़ी से पिटाई लगेगी। जैसे ही ओझा अपनी छड़ी निकालते हैं ना, राजू भैया डर जाते हैं और डर करके पता है क्या बोलते हैं? राजू भैया बोलते हैं कि नहीं बाबा, मैं सारा कुछ बताती हूँ, आप मुझे मत मारिए, वो भी एक औरत की आवाज में। वहां पर ओझा और उनके चेलों के अलावा भी ना आधे से ज्यादा मोहल्ले के लोग इकट्ठा थे। सभी लोग जब वो आवाज सुनते हैं ना, तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सभी सोचते हैं कि ये क्या है, राजू के अंदर से एक लड़की की आवाज कैसे आ सकती है। ओझा ने यहाँ पर सबको कहा कि आप सभी लोग इस कमरे से बाहर चले जाओ और मुझे कमरे को बंद करने दो। कमरे को बंद करके ओझा ने राजू भैया को इतना मारा है छड़ी से, इतना मारा है ना, क्योंकि उनके अंदर जो आत्मा थी ना, वो भले रो रही थी, भले सहम चुकी थी, लेकिन राजू भैया के शरीर से बाहर नहीं जा रही थी। किसी को भी नहीं पता कि उस कमरे में क्या होता है, लेकिन जब ओझा बाहर आते हैं ना, तो फिर वो पूरी सच्चाई बताते हैं कि आखिर राजू भैया की ऐसी हालत क्यों है। ओझा बताते हैं ना कि राजू भैया के अंदर एक आत्मा ने प्रवेश कर लिया है, और वो ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, ये आत्मा राजू भैया के पीछे 2 सालों से पड़ी हुई है, और राजू भैया ने इस आत्मा से छुटकारा या मुक्ति के लिए एक ताबीज भी बांधी थी, जो कि एक जहरीले सांप के दांत से बनी हुई थी। फिर मोहल्ले वालों ने ओझा से पूछा कि आखिर उस आत्मा की राजू से क्या दुश्मनी हो सकती है, हमारा राजू तो इतना ज्यादा हंसमुख है, ये बेचारा किसी का क्या बिगाड़ेगा। तब यहाँ पर ओझा ने बताया, जब भी वो पूरा प्रोसेस हो रहा था उसी दौरान ओझा ने आत्मा से पूछा कि आखिर तुम राजू के पीछे क्यों पड़ी हो और तुम क्यों इसकी जान की दुश्मन बनी हुई हो। तो यहाँ पर आत्मा ने बताया कि राजू के कारण ही उस आत्मा को अपनी जान देनी पड़ी। वो आत्मा एक लड़की की थी, और वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, वो राजू भैया की गर्लफ्रेंड थी, और राजू भैया जिस गांव में रहते थे ना, उसी गांव की ही वो लड़की थी। दोनों के घर में उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। राजू भैया के घर वाले थोड़े अमीर थे, और वो जो लड़की थी ना, उसके घर वाले बेचारे गरीब थे। तो राजू भैया के परिवार वालों ने क्या किया, पूरे गांव में उस लड़की की और उसके परिवार की बदनामी कर डाली, ये कह के कि गरीब परिवार की लड़की अमीर परिवार के लड़के को फंसा रही है पैसे के लिए।
लिए। यहाँ पर घर वाले उनके इस रिश्ते से पूरी तरीके से खिलाफ थे। वो लड़की राजू भैया से गिड़गिड़ाती रही, हाथ जोड़कर मिन्नतें करती रही कि मुझे ऐसे मत छोड़ो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। लेकिन राजू भैया अपने परिवार के अगेंस्ट नहीं जाते हैं और राजू भैया उस लड़की के साथ अपने 4 साल का रिलेशन तोड़ देते हैं। लड़की राजू भैया से सच्चा प्यार करती थी और कहीं ना कहीं राजू भैया भी उस लड़की से बहुत प्यार करते थे, पर बस अपने परिवार वालों के सामने ना उन्होंने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। लड़की इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई, ऊपर से पूरे गांव के सामने उस लड़की और उसके खानदान की थू-थू होने लगी। घर वाले तो लड़की को इतने बुरे बुरे ताने देने लगे ना कि यही दिन दिखाने के लिए तू हमारे घर में पैदा ली थी, तेरे से अच्छा तो हमारा कोई औलाद ही नहीं होता। ये सब चीजें ना वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान दे दी। उस लड़की के घर वालों ने क्या किया ना, किसी को नहीं बताया और चुपचाप से उस लड़की की लाश को कहीं खेत में ले जाकर के दफना दिया। इसीलिए उस लड़की की आत्मा भटक रही है और उस लड़की की मौत का जिम्मेदार या फिर उसकी आत्मा जो ऐसे अशांति में भटक रही है ना, सबका जिम्मेदार वो लड़की राजू भैया को मानती है। इसीलिए उस लड़की की आत्मा राजू भैया के पीछे पड़ी हुई है अपना बदला लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि उसकी आत्मा पहली बार राजू भैया को हार्म करने की कोशिश की है। जब राजू भैया गांव में थे ना, उस टाइम भी 4 से 5 बार उस लड़की ने राजू भैया पर हमला किया है, पर हमेशा राजू भैया किसी न किसी तरीके से बच गए हैं। राजू भैया बनारस के किसी बाबा के पास गए थे और उन्हीं बाबा ने जहरीले सांप के दांत का ताबीज बना के राजू भैया को पहनाया था और राजू भैया को सख्त हिदायत दी थी कि इस ताबीज को अपने शरीर से कभी भी अलग मत करना। जब राजू भैया नहा रहे थे और जब उनका वो ताबीज टूटा ना, तो राजू भैया ने क्या सोचा कि वो लड़की की जो आत्मा थी वो तो गांव तक थी, एक एनर्जी की भी तो लिमिट होती है ना, शहर में राजू भैया का पीछा करते करते तो आएगी नहीं। पर राजू भैया कहीं ना कहीं भूल गए थे कि एक प्यार में कितनी ताकत होती है, लेकिन जब वही प्यार दुश्मनी और बदले में बदल जाए ना, तो उसकी ताकत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। वो लड़की हर एक मौके की तलाश में थी कि जैसे भी मौका मिलेगा ना वो राजू भैया से बदला लेगी, और जैसे ही वो ताबीज टूटा वो लड़की राजू भैया के शरीर के अंदर। ओझा ने बताया कि फिलहाल तो उन्होंने राजू भैया का टेम्पररी इलाज कर दिया है, लेकिन उनके इस जो इलाज का असर है ना वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, तो बेहतर है कि राजू भैया को जल्द से जल्द बनारस भेजा जाए उन्हीं बाबा के पास जिन्होंने सबसे पहले राजू भैया के प्रॉब्लम का सलूशन खोज के दिया था। फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए राजू भैया के घर वालों को बुलाया जाता है। राजू भैया के घर वाले आते हैं और उन्हें बनारस लेकर के चले जाते हैं। उस दिन के बाद राजू भैया कभी भी दोबारा कलकत्ता लौट करके नहीं आते हैं। तो वी होप कि राजू भैया जहां भी हो बिल्कुल भी ठीक हो एंड उस लड़की की आत्मा को भी शांति मिले, क्योंकि बिचारी की कोई गलती नहीं थी। प्यार करना कोई गलती नहीं होती है। यहाँ पर बस राजू भैया की एक छोटी सी गलती थी ना कि उन्होंने अगर थोड़ी सी हिम्मत जमा करके अपने परिवार वालों के सामने उस लड़की का हाथ नहीं छोड़ा होता ना, तो शायद वो लड़की आज हमारे साथ इस दुनिया में होती। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, उसे कोई नहीं बदल सकता। तो वी होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। कमेंट करके हमें बताना कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपके पास कोई अच्छी स्टोरी होगी ना तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। आपको हमारे सारे हैंडल और सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।